हे गाइस, आज है शारदीय नवरात्रि का पहला दिन, तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना। मॉर्निंग मोड के हम लोग फटाफट से लग गए हैं कमरे को साफ करने के लिए। जो डीप क्लीनिंग होती है वो तो मैंने ब्लॉग में बताया था ना कि धीरे धीरे हम लोग कर रहे थे, और आज बस ऐसे ही झाड़ू पोछा वाली है। फटाक से अंदर रूम सही किया और बाहर भी करने आ गए। मुझे थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है नैन्सी से, क्योंकि मुझे ऐसी आदत नहीं ना ऐसे बैठ बैठ के झाड़ू लगाने की। तो बस मैंने झाड़ू पोछा किया, और मीनवाइल भैया तो नहा चुके थे, तो भैया माता जी का क्या सामान लाए थे तो मैंने कैमरा साइड में लगा दिया। तो चलो देखते हैं, यहाँ पे फूल वगैरह है और माता जी की बहुत ही प्यारा सा लहंगा आया। ये लहंगा कलर देख रहे हो गाइस, कितना सुंदर है यार। ये रियल में ना और भी ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मतलब कैमरे में भी अच्छा लग रहा है। पिंक कलर का लहंगा है और पिंक चुन्नी है, और बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया लग रहा था। और भैया बस ऐसे रखते जा रहे हैं, यहाँ मैं खड़ी हूँ, मैं बोल रही हूँ भैया अच्छे से दिखाओ ना, थोड़ा सा ऊपर करके दिखाओ। लेकिन भैया लोग होते हैं ना, उन लोगों को थोड़ा सा शाय भी लगता है कि यार कैसे दिखाऊँ, मैं तो व्लॉग कर नहीं रहा हूँ। तो बस यही चीज़ें थी, और सारा पूजा का सामान एक दिन पहले आ गया था घर पे। मम्मी और भैया गए थे, इस बार मैं मार्केट नहीं जा पाई नवरात्रि की, क्योंकि नैन्सी के थोड़ा सा अभी पैर में तकलीफ़ है, और जाते हैं तो हम तीनों लोग ही जाते हैं। फिर मम्मी से मैंने सिफारिश लगाई, मम्मी भैया से बोलो ना अच्छे से दिखाएं, तो भैया ऐसे दिखा रहे। मम्मी कहती ऐसे नहीं, ऐसे दिखाओ, देखो कितना सुंदर नेकलेस है यार, ड्रेस इतना मैचिंग कर रहा है ना। अभी जब पूजा करेंगे ना, तब आप देखना माता रानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। तो गाइस, आपने देखा माता रानी कितनी सुंदर लग रही हैं पिंक कलर के लहंगे में, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, मैं बना रही हूँ हेल्दी ड्रिंक, जिसकी शॉट मैंने डाली हुई है, और ये स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, हेल्थ के लिए स्पेशली बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, कैरेट ली है, और एप्पल लिया है, और बीटरूट ली है। इन तीनों का कॉम्बो गाइस, अगर आपने ना इसको 1 वीक पी लिया ना, तो आप 1 वीक के बाद मुझे बोलोगे कि यार नहीं, वाकई स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है, हमारे मुहासे धीरे धीरे कम होने लग गए। मम्मी को पता नहीं था कि मैं जूस बना रही हूँ, तो मम्मी ने लाके यहाँ बनाना रख दिया था, पर इसमें बनाना नहीं पड़ता है, तो मैंने उसे उठा के ऊपर रख दिया। और मैं अकेले के लिए बना रही हूँ ना, तो इसलिए मैं हाफ हाफ सारी चीज़ें लूँगी, मतलब हाफ कैरेट लूँगी, हाफ बीटरूट लूँगी, और हाफ ही एप्पल लूँगी। अगर आप 2 ग्लास बनाओ तो ले भी सकते हो, पूरा ले सकते हो, क्योंकि ये सिंगल ऐसे नहीं पिया जाता, इसमें पानी डाल के फिर पीसा जाता है, और फिर इसकी थिकनेस को चेक करने के बाद भी पानी मिला के पिया जाता है, क्योंकि ये बहुत स्मूदी टाइप का बनता है, तो वैसे तो मेरे से नहीं पिया जाता है, तो बस मैं पानी डाल के बनाऊँगी। अभी आप देखिएगा, इतना देखने में जितना रिच एंड सुंदर लग रहा है ना, उतना ये पीने में भी टेस्टी था। आप अपने टेस्ट बर्ड के अकॉर्डिंग इसमें जैगरी पाउडर, अगर आपको मीठा पीना है, या फिर वो धागे वाली शुगर होती है ना, धागे वाली मिश्री, आप उसे डाल सकते हो। और अगर थोड़ा सा आपको नमकीन पीना है, तो इसमें ना काला नमक का जो मसाला होता है ना, जो मम्मी लोग बनाती घर में, वो डाल लेना, थोड़ा सा नींबू डाल लेना, बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है ये, और आप इसको पीना बहुत ही मज़ा आएगी। अब तो विंटर्स आ रहे हैं ना, ये सारी वेजीज बहुत ज़्यादा आने लगेंगी, और बीटरूट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा होता है अच्छा। नॉर्मल हम लोग बीटरूट का कंजम्पशन नहीं कर पाते हैं, मेरे यहाँ पे या तो इसका वो बनता है, कोफ्ते बनते हैं लौकी के साथ, या फिर अभी मम्मी सर्दी आएगी ना, तो मम्मी पूड़ी पराठे भी बना देंगी, लेकिन वो एक थोड़ा सा मेरे हिसाब से, अगर जो लोग हेल्थ के उससे हैं उनके लिए वो
नॉन बेटर ऑप्शन होगा, उससे बेटर ऑप्शन है कि आप उसे ऐसे ड्रिंक में पी लो, या फिर आप उसका सैलड, वो रायता बना लो या सैलड बना लो, मतलब मुझे लगता है। लेकिन अगर आप सिर्फ हेल्दी पर्पज़ से देखना चाहते हैं कि नहीं मुझे हेल्दी खाना है, कोई डाइट वाइट नहीं, तो वो रेसिपी भी बहुत अच्छी, मैं जल्दी आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। यहाँ बस सिंपल आप सारी चीज़ें कट कर लो, और अपना मिक्सी जार है उसमें, या फिर आपके पास अगर जूसर है तो उसमें, वॉट एवर, मैं तो अपने मिक्सी जार में इसको पीस लूँगी अच्छे से पानी डाल के, और बाद में थोड़ा पानी और बढ़ा के छान लेंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनेगा यार ये। सो गाइस, हमारा जूस बनके रेडी है, उसको मैंने फ्रिज में लगा दिया बिकॉज़ वो ठंडा नहीं था, ठंडा करने पे और भी अच्छा लगता है। और मैं यहाँ पीने जा रही हूँ कोकोनट वाटर, जो कि मुझे बहुत पसंद है, और मैं इसे 15 दिन में या फिर मंथ में एक दो बार पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं इस चीज़ का शूट कर पाती हूँ, कई बार होता है नहीं कर पाती, क्योंकि मेरा ना इसे ब्रेक करने का थोड़ा सा ये तरीका बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मेरे यहाँ जो देखता है मुझे गुस्सा करता है, ऐसे नहीं करते, लेकिन मुझे ना ऐसे मज़ा आती करने में। सो गाइस, ये है मस्त मस्त कोकोनट वाटर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, और आप लोग भी पिया करो। आपको बताइए कौन सा पसंद है, मलाई वाला कोकोनट पसंद है या फिर ऐसे वाटर वाला। दो तरह के कोकोनट आते हैं, जो एक मलाई और कम वाटर वाला रहता है, एक में वाटर ज़्यादा होता है लेकिन उसकी मलाई कम होती है। बताना मुझे। अभी बारी है इसे पीने के बाद खाना बनाने की, क्योंकि ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया था, बहुत लेट हो गया था पूजा करने में और सारी चीज़ें में, तो मैंने ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया बिकॉज़ फिर तुरंत खाना खाना और नहीं सही लगता, तो मैंने नहीं खाया था। और अभी चलते हैं खाना बनाने, तो आज खाने में क्या बन रहा है चले देखते हैं। It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? The 11 gives something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you, I never could have moved away. But now I seek what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This is
सो गाइज वेरी सिंपल, मैं यहाँ पे पनीर की भुर्जी बना रही हूँ। प्याज लहसुन तो पड़ेगा नहीं 9 डेज़ बिकॉज नवरात है, तो मैंने जीरा और मिर्ची से बनाई है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही टेस्टी है, और मैंने इसको ज़्यादा भूंजा नहीं ताकि ये बहुत ड्राई ना हो जाए, क्योंकि मम्मी को हल्की ऐसी वाली पसंद है ना जो हल्की सॉफ्ट सॉफ्ट रहती है, तो मैंने ऐसे बनाया है। कैमरा इसकी ब्यूटी को बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर रहा है बिकॉज कभी उसकी लाइट डिम हो रही कभी हाई हो रही है, लेकिन बहुत अच्छा बना था। और साथ में मैंने बनाया है बीटरूट का रायता जो कि मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद है और बहुत ईजी बनता भी, और कलर इतना खूबसूरत है ना कि जिसका मन ना भी हो ना उसका भी मन खाने को हो जाए बिकॉज ये आइसक्रीम की तरह लग रहा है। मम्मी का खाना पैक कर दिया बिकॉज मम्मी ऑफिस चली गई हैं, मम्मी का खाना पैक कर दिया। सो गाइज ये है शाम का टाइम और मैं जा रही हूँ भैया के संग बाहर, तो भैया को कुछ घर का सामान लेना था और मुझे भी ना कुछ ऐसे चाट बतासे खाने का मन हो रहा था। काफ़ी दिन से ऐसे घर पे थी ना तो मुझे वही चीज़ें चोट और ये चीज़ अच्छा नहीं लग रहा था, तो मम्मी ने बोला कि नहीं भैया के संग होके आओ, थोड़ा बाहर घूम के आओ और चाट बतासे भी खा लेना। तो बस हम आए थे बाहर, मौसम बहुत अच्छा है। अच्छा एक बात आप लोग रिलेट करते हो कि नहीं करते हो कि जब फेस्टिव सीज़न स्टार्ट होता है ना मौसम में एक अलग सी मस्त ठंडी वाली वाइब्स आ जाती है, पता चलता है कि नहीं फेस्टिवल चल रहे हैं, तो वैसे ही मुझे लग रहा था। और यहाँ पे पास में मंदिर भी है ना तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी, और भैया मुझे लेके आए हैं यहाँ के एक स्पेशल चाट की दुकान में। और मैं यहाँ पे नहीं आई हूँ क्योंकि मेरा मोस्टली मैं गुमटी या शीशा मऊ इधर की तरफ जाती हूँ, और ये चाट की शॉप है गुरुदेव के पास। यस ये शिव चाट हाउस है, यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट वेराइटी की चाट मिलती है। भीड़ देख के आप इनके टेस्ट को जस्टिस कर सकते हो कि क्या टेस्ट होगा। ये है टमाटर वाली चाट जो कि बहुत यमी है। दिस इज़ अ टमाटर चाट और ये बहुत मस्त है, बहुत स्पाइसी है। भैया शायद एक पैक करवा रहे हैं घर के लिए मम्मी के लिए। यम्मी। सो फ्रेंड मोस्ट चाट पार्टी करने के बाद आ गए हैं ये शॉप पे, और पता आज इतना गंदा हुआ ना, भैया का फास्ट था और मेरी वजह से भैया को यहाँ आना पड़ा। मुझे बहुत ही ज़्यादा बाद में बहुत बेकार लग रहा था, एक दो मेरे से अकेले खाया नहीं जा रहा था, मैं ऐसे अकेले खड़े होके खा पी नहीं सकती हूँ, मुझे चाहिए कि मेरे साथ लोग हों, तो वो भी चीज़ थी और भैया खा भी नहीं रहे थे। देन उसके बाद ये शॉप पे आए, सामान लिया और घर आके नैन्सी और मम्मी के लिए आइसक्रीम ली, जो कि आइसक्रीम तो यार सबकी फेवरेट होती है। एक कप खाली हो चुका था जब तक मैं कपड़े चेंज करने गई, एक कप खाली हो गया था। दिस इज़ माय फेवरेट आइसक्रीम। तो बस ये सब था। सो फ्रेंड घर आ गए हैं, घर का कुछ सामान लेना था तो भैया के साथ गए थे, और साथ में ना आज कुछ बाहर का खाने का भी मन था, मतलब सम चाट वाट टाइप। और घर के नीचे जो बताशे आते हैं ना, मैंने वो शाम को बोला था कि खाने का मन है, तो फिर मम्मी ने बोला कि नहीं अच्छा बाहर से खा के आओ। और आज पता मैंने पहली बार टमाटर की चाट खाई, मैंने आलू टिक्की हमेशा से खाई थी, उन्होंने कानपुर की आलू टिक्की फेमस है, और बनारस की टमाटर चाट मैंने सुनी थी फेमस है, और आज मैंने टमाटर चाट खाई। गाय जो बहुत ही यम्मी थी सच में। आलू की टिक्की ना थोड़ी हैवी हो जाती है बिकॉज ऑफ आलू, और ये वाली ना सुपर यम्मी थी, मैंने खाई मस्त स्पाइसी और मेरे यहाँ पे सब पसीना सीना आ जा रहा था, बड़ी यम्मी लगी खाई। अब खाना वगैरह कुछ नहीं खाई क्योंकि उतनी टिक्की से ही मेरा पेट भर गया था, सो खाना नहीं खाएंगे। और शाम के भैया का जो फास्ट और अम्मा का फास्ट था ना वो पूरा किया उन लोग ने, तो उसके थोड़े बर्तन पड़े हैं तो अभी जा रहे हैं बर्तन धुलने, एंड देन अपना लेटे बैठेंगे। सो गाइस आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल में अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलूँगी कल के व्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए।